हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज हम कुंदरू आलू की सब्जी बनाएंगे। आप इस तरह से बनाकर देखें, खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट लगती है। आप हमेशा इसे ही बनाकर खाएंगे और कम तेल में भी बनकर ये रेडी हो जाती है। तो फिर चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें जीरा और सरसों डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कुंदरू का इस तरह से एकदम गोल गोल करके काट कर रख दिया है। अच्छी तरह से हम धोकर काट कर हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आलू को भी इस तरह से थोड़ी सी छोटे छोटे पतले पतले करके यहाँ पर डाल देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में कवर करके छोड़ देंगे एक या दो मिनट के लिए। ये थोड़ी सी देखिए पक गई है। अब इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। इसमें है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से फिर से हम इसको मिक्स कर देंगे। हम आप लोगों के लिए कितनी प्यार से और मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसको फिर से कवर करके पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम में और बीच बीच में एक या दो बार हम इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल सकती है। इस तरह से हम मिक्स कर देंगे एक दो बार। जब अब ये थोड़ी सी कच्चा है, बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं पकी है, फिर से हम इसको कवर करके पकाएंगे। जब तक हमारा जो आलू और कुंदरू अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक हम इसको कवर करके पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। बिल्कुल हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। देखिए अब हमारा सब्जी एकदम बनकर रेडी हो गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है, अच्छी तरह से पक गई है। अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे। आप इस तरह से बनाकर रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और बिना प्याज लहसुन से बनी है। आप इसे जब चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। आप एक बार बनाइए। अगर आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।